अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिप्रिया और अब आपको बताऊंगी सहारनपुर के बारे में, जहां पर कि एसपी और बीएसपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कारण भी है क्योंकि भीम आर्मी ने इमरान मसूद को समर्थन करने की बात कही है। दरअसल 2014 का वो बयान मायावती का सामने आया है जब उन्होंने भीम आर्मी पर कटाक्ष किए थे और उसके बाद भीम आर्मी ने ये बड़ा फैसला उठाया है और उन्होंने अपने सहयोगियों से कांग्रेस को वोट करने की बात कही है, इमरान मसूद को सपोर्ट करने की बात कही है। उसके बाद से सहारनपुर में जो गठबंधन है एसपी बीएसपी और रालोद की, अब उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि सहारनपुर से रामपुर और मुरादाबाद तक की मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर ये सवाल हवा में है कि क्या एसपी बीएसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने से मुस्लिम वोट बट जाएंगे। मुस्लिम वोटों की जब भी बात सामने आती है तो इस तरीके के सवाल उठने लाजमी है। क्या इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है? मायावती के इस बयान के कई आधार भी हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने उनका और अखिलेश का सिरदर्द बढ़ा दिया है। ये मायावती ने बयान दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के चलते चर्चा में आए इमरान को 2014 में 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी के राघव लखनपाल के मुकाबले उन्हें सिर्फ 65,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम पीछे की बात करें तो यहां एसपी बीएसपी महागठबंधन ने हाजिर फजलुर रहमान को उतारा है। ऐसे में यहां मुस्लिम जो मतों की अगर बात करें तो हासिल करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी जो मुकाबला है वो आसान नहीं है। कांटे की टक्कर सहारनपुर में नजर आ रही है। कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी होता नजर आ रहा है क्योंकि भीम आर्मी के समर्थक अब इनके समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन की राहें बहुत ही मुश्किल होने वाली हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट 9 न्यूज अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होंगे हम हाजिर। नमस्कार।